the history of the Sharingan from Naruto. Sharingan Uchiha clan का Dojutsu Kekkeigen Kai है जो selectively इसके members में appear होता है। ये 3 great Dojutsu में से एक है Byakugan और Rinnegan के बाद। इसकी powers originate हुई थी Kaguya Ozutsuki से और इसका independent first form Indra Ozutsuki में awake हुआ था anime में। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में, मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं शारिंगन के हिस्ट्री के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन है तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। एक्विजिशन। जब इस केकेगेनकाई का वील्डर अपने किसी करीबी के लिए पावरफुल इमोशनल कंडीशन एक्सपीरियंस करता है तब उनका ब्रेन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ चाक्रा रिलीज करता है जो ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है जो आंखों को शारिंगन में बदल देता है और इसी की वजह से शारिंगन को आई दैट रिफ्लेक्ट्स द हर्ट भी कहा जाता है। उचिहा क्लैन का कर्स ऑफ हेट्रेड एक नेगेटिव इमोशन जो स्ट्रेस या लॉस से आता है, पर ये इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी को प्रोटेक्ट करने का डिजायर या अपने प्यार से मिलने की चाहत। एनिमे में ये दिखाया गया है कि इस पावर को पाने के बाद यूजर का एनहांस परसेप्शन उन्हें टाइम से ऑफ कर देते हैं, पर जिसके लिए उन्हें अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस करना पड़ता है इंक्रीज्ड रिएक्शन टाइम से कीप अप करने के लिए। हायर चाक्रा लेवल का होना भी बहुत जरूरी है इसके पावर्स को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए। ऐसा भी दिखाया गया है कि इमोशनल स्टेट के दौरान जब शारिंगन का अवेकनिंग ट्रिगर होता है ये यूजर को ब्लाइंड कर देता है पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने तक। यूजर अपने शारिंगन के अवेक से अवेयर होने के बाद उसे फ्रीली यूज कर सकता है। पहली बार अवेकन के समय में दोनों आंखों में एक तोमोय होता है, पर कुछ केसेस में यूजर 2 तोमोय तक गेन कर लेते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में इमोशन ग्रोथ के साथ शारिंगन भी डेवलप होते जाते हैं और पूरी तरह से डेवलप्ड होने के बाद इसके 3 तोमोय हो जाते हैं। एनिमे में जब हागोरोमो ने अपने शारिंगन को अवेक किया था उनमें 3 तोमोय था। हर शारिंगन की एबिलिटीज शुरुआत से ही यूजर के पास होती है और ग्रेटर डेवलपमेंट के साथ वो लोग अपनी एबिलिटीज के साथ और प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे फुल डेवलप होने के बाद शारिंगन की एबिलिटी टारगेट और इवेंट के मूवमेंट्स को समझना भी डेवलप हो जाता है, जिससे यूजर के मूवमेंट्स में भी ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है अगर ऐसा मिड बैटल में भी हुआ तो। हर दोजुत्सु की तरह शारिंगन को नॉन उचिहा में इम्प्लांट किया जा सकता है, पर नॉन उचिहा इसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते और इसे यूज करने के लिए भी उन्हें उचिहा के कंपैरिजन में ज्यादा चाक्रा लगता है और इसीलिए नॉन उचिहा अपने शारिंगन को कवर करके रखते हैं जब वो इसे यूज नहीं कर रहे होते। अगर कोई सेपरेट यूजर सेम शारिंगन को यूज करता है तो वो ओरिजिनल के साथ एक हद तक लिंक्ड होते हैं, कुछ वक्त पर वो उस आंख से एक दूसरे के इवेंट्स को देख सकते हैं। एबिलिटीज। शारिंगन यूजर को 2 एबिलिटीज ग्रांट करते हैं, आई ऑफ इनसाइट और आई ऑफ हिप्नोटिज्म। मादारा उचिहा ये मानता था कि शारिंगन के फुल पोटेंशियल को दोनों आंखों के साथ ही यूज किया जा सकता है। आई ऑफ इनसाइट। यूजर चाक्रा फ्लो को देख सकता है और इसे देखकर डिस्टिंग्विश कर सकता है, पर ब्याकुगान के हद तक नहीं जो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस के थ्रू भी देख सकता है और किसी चाक्रा फ्लो में इरेगुलरिटीज को भी देख सकता है जो गेंजुत्सु से होता है। यूजर के पास प्रिसेप्टिव क्लैरिटी आ जाती है जिससे वो लिप रीडिंग या पेंसिल मूवमेंट्स को भी पढ़ सकता है। सास्के उचिहा का शारिंगन सेलुलर लेवल तक देख सकता था, लड़ाई में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देख सकते और फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद प्रिडिक्ट कैपेबिलिटीज भी ग्रांट करते हैं। अपोनेंट के नेक्स्ट मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हैं अपोनेंट के बॉडी में मसल टेंशन को देखकर और डॉज कर सकते हैं। इससे वो एनिमी के हैंड साइंस को भी देख सकते हैं जिससे वो टेक्निक के नेचर को समझ सकते हैं, भले ही वो कितने भी स्पीड में किया जाए बस उनके नजर के सामने होना चाहिए। शारिंगन ये सारी चीजें देख सकती है पर इसके साथ अच्छी फिजिकल एबिलिटी भी होनी जरूरी है विजुअल इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करने के लिए। एनिमे में दिखाया गया है कि एन ऑफ प्रोवेस के साथ यूजर टारगेट के माइंड में जा सकता है आई कॉन्टेक्ट से और उसकी मेमोरीज देख सकता है और उन्हें इरेज भी कर सकता है। किसी भी जुत्सु को देखकर कॉपी कर सकते हैं, किसी भी निंजुत्सु गेंजुत्सु और ताइजुत्सु को मेमोराइज
रख सकते हैं। फिर वो उस जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे सास्के उचिहा ने अपने लायन बेस में रॉक ली के फ्रंट लोटस को किया था। शारिंगन यूजर को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है किसी भी जुत्सु को कॉपी करने से पहले, जैसे वो किसी केके गेनकाई को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर कोई नेचर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते बिना उसे सीखे। आई ऑफ हिप्नोटिज्म, यूजर इसकी मदद से गेंजुत्सु परफॉर्म कर सकता है। इस एबिलिटी को परफॉर्म करने के बहुत से तरीके हैं, पर ये आई कांटेक्ट से ज्यादा किया जाता है। टारगेट को थॉट और एक्शंस सजेस्ट करके बिना टारगेट के अवेयरनेस के, एक्सट्रीम केसेस में शारिंगन टारगेट के पूरे बॉडी पर कंट्रोल पा सकता है और यूजर के विशेष के अकॉर्डिंग काम करता है, और इससे टारगेट की आंखें भी रेड हो जाती है। इस एबिलिटी को टेल बीस पर भी यूज करने की वजह से उचिहा काफी फेमस है और वो किसी जिनचुरिकी के सबकॉन्शियस में भी एंटर कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल टारगेट को भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है, पर ज्यादा टारगेट होने से कंट्रोल वीक हो जाता है। शारिंगन यूजर इसकी मदद से एक हद तक फ्यूचर में भी देख सकते हैं, जैसे यूजर अपोनेंट के मूवमेंट्स और थॉट्स को परफेक्टली मिमिक करते हैं और ऑब्जर्वेशन से उनके वर्ड्स भी। फिर वो अपोनेंट को एक्शन सजेस्ट करते हैं हैंड सील्स के, जो टारगेट जानता है और शारिंगन यूजर उसे ऑलरेडी कॉपी कर चुका होता है, और ऐसा करने से यूजर अपोनेंट से पहले ही एक्शन कंप्लीट कर लेता है, जिससे अपोनेंट को वो कंफ्यूज और डिले कर सकते हैं। इन एबिलिटीज के साथ दो और जुत्सु हैं जो शारिंगन यूजर परफॉर्म कर सकता है। इज़नागी, जिससे यूजर रियलिटी को बदल सकता है, इल्यूजन को रियलिटी बनाकर और रियलिटी को इल्यूजन बनाकर, जिससे वो डेथ और डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं। इज़नामी, जो विक्टिम को एक इन्फिनिट लूप में ट्रैप कर लेते हैं, ये उनके लिए बनाया गया था जो इज़नागी का गलत इस्तेमाल करते थे। इन दोनों में से किसी एक एबिलिटी को परफॉर्म करने से यूजर ब्लाइंड हो जाता है, और इसी के लिए उचिहा ने इसे किनजुत्सु बना दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी बेहद करीबी के लॉस से शारिंगन मांगे क्यों शारिंगन में बदल जाता है, जिससे यूजर स्पेसिफिक यूनिक जुत्सु मिलता है शारिंगन के स्टैंडर्ड एबिलिटीज के साथ। मांगे क्यों शारिंगन के अवेक होने से शारिंगन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, अगर वो इन प्रोसेस भी हो तो। मांगे क्यों शारिंगन को यूज करने से यूजर ब्लाइंड होने लगते हैं, पर इसे किसी नजदीकी रिश्तेदार के मांगे क्यों शारिंगन को इम्प्लांट करके ठीक किया जा सकता है, जैसे सिबलिंग, और फिर इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन मिल जाता है, जो कभी साइट लूज नहीं करते। शारिंगन रिनेगान भी बन सकता है इंद्रा और असुरा के चक्रा को मिलाकर, जिससे हागोरोमो का चक्रा बनता है। मादारा का शारिंगन सालों बाद रिनेगान बनता है। हाशिरामा के सेल को अपने बॉडी में मिलाने के बाद हागोरोमो ओसुसुकी के हाफ चक्रा को पाने के बाद सास्के का लेफ्ट शारिंगन रिनेगान में बदल जाता है। मादारा का आई साइट भी ठीक हो जाता है, जो इज़नागी को यूज करने के बाद खराब हो चुका था। हागोरोमो ओसुसुकी का मांगे क्यों शारिंगन और रिनेगान भी अदर यूजर की तरह ही अवेक हुआ था। हागोरोमो का रिनेगान उसके मांगे क्यों शारिंगन के साथ ही अवेक हो गया था। मांगे क्यों शारिंगन, मांगे क्यों शारिंगन शारिंगन का ही एडवांस्ड फॉर्म है, जो अब तक गिने चुने उचिहा ही एक्टिवेट कर पाए हैं। इन्हें हेवनली आई दैट सी द ट्रूथ ऑफ ऑल क्रिएशन थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। मांगे क्यों शारिंगन का अपीयरेंस शारिंगन से अलग होता है, जिसमें तोमोए सील फॉर्म बदल जाता है और इसका डिजाइन यूजर टू यूजर वेरी करता है। इनिशियली ये समवन क्लोज के डेथ को विटनेस करने के बाद अवेकन होता है। इस क्राइटेरिया को उचिहा ने हमेशा गलत समझा कि यूजर को इस इंसान को मारना होगा, और इसी के लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मारने लगे मांगे क्यों शारिंगन हासिल करने के लिए। ओबितो उचिहा का मांगे क्यों ट्रॉमा को देखकर ही अवेक हो जाता है, पर नारुतो जिनराइडेन में सास्के का मांगे क्यों शारिंगन एक्टिवेट होने में कुछ हफ्ते लग गए थे। मांगे क्यों शारिंगन में शारिंगन के जेनरिक एबिलिटीज के साथ साथ दोनों आंखों में अलग अलग पावरफुल एबिलिटीज ग्रांट होती है। सास्के और इताची दोनों ही अमेतराज फ्लेम्स को एक्सेस कर सकते थे, पर उसे इस्तेमाल करने की क्षमता अलग होती है। मांगे क्यों शारिंगन की एबिलिटीज दो यूजर सेम आईज के सेम नहीं हो सकते, जैसे इताची के एक आंख में अमेतराजू था और एक में सुकुयोमी। हर आंखों में पर्टिकुलर टेक्निक होता है, और कोई उस यूजर के आंखों को इम्प्लांट करके उसके टेक्निक्स का एक्सेस पा सकता है। एक बार यूजर अपने दोनों आंखों में मांगे क्यों शारिंगन अवेक कर ले,
फिर वो सुजानो मैनिफेस्ट भी कर सकता है बिना आंखों के भी। मादारा और सास्के का मांगे कि वो शारिंगन उन्हें ग्रेटर फ्लूडिटी ग्रांट करता है फाइट के दौरान। मादारा इसे सेंस कर चुका था और बाद में ये तक कहता है कि वो और सास्के कनेक्टेड है। अदर डोजुत्सु की तरह मांगे कि वो शारिंगन भी नन उचिहा में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उसके सारे एबिलिटीज को ग्रांट कर सकता है ज्यादा चाकरा डिमांड के साथ। मांगे कि वो शारिंगन की एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है यूजर के खुद के आंखों में या फिर यूजर के टारगेट पर जो उसके मरने के बाद भी एक्टिवेट रहता है। ट्रू विल्डर्स भी मांगे कि वो शारिंगन को यूज करते हुए ग्रेट स्ट्रेन सफर करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए ग्रेट अमाउंट ऑफ चाकरा चाहिए, फिर इसे मेंटेन रखने के लिए और चाहिए, फिर इसके टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए और ज्यादा चाहिए। इसे यूज करते हुए पूरे बॉडी में पेन भी सफर करना पड़ता है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से यूजर ब्लाइंड हो सकते हैं। विजन को वापस पाया भी जा सकता है। क्लोज ब्लड रिलेटिव के मांगे की शारिंगन को इम्प्लांट करके आइडियली एक सिबलिंग जिससे इटर्नल मांगे की शारिंगन अवेक हो जाता है। इस एवोल्यूशन से यूजर अपने ओरिजिनल टेक्निक को रिटेन कर सकता है। इसमें दोनों उचिहा के मांगे की शारिंगन डिजाइन मर्ज हो जाते हैं। ये अब भी प्रीवियस यूजर के आईज होते हैं तो इसीलिए कुछ टेक्निक्स पर ये रिएक्ट करते हैं जो ओरिजिनल यूजर के लिए होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं होता और ये चाकरा ड्रेनिंग को भी कम कर देता है। मादारा के मुताबिक इटर्नल मांगे की शारिंगन प्रूफ होता है कि उचिहा आगे बढ़ता गया ग्रेट लॉस को एक्सपीरियंस करने के बाद भी। मांगे की शारिंगन यूजर को उचिहा स्टोन रीड और डिकोड करने की एबिलिटी देता है जो शारिंगन से ज्यादा होता है पर रिनेगान के मुकाबले कम होता है। वेरिएशंस इताची उचिहा। इताची का मांगे की शारिंगन तब अवेक हुआ जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शिजुई उचिहा को सुसाइड करते हुए देखा। उचिहा क्लैन के डाउनफॉल से पहले अपने लेफ्ट मांगे की शारिंगन से वो सुकुयोमी यूज कर सकता था, एक बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु जो विक्टिम के टाइम परसेप्शन को रोक देता है। अपने राइट मांगे की शारिंगन से वो अमेतराजु फ्लेम्स का यूज कर सकता था, वो ब्लैक फ्लेम्स जो इनएक्सटिंग्विशेबल है। दोनों मांगे की शारिंगन को अवेक करने से वो सुजानो भी मैनिफेस्ट कर सकता था क्योंकि सुकुयोमी और अमेतराजु ज्यादा चाकरा कंज्यूम करते थे। इताची के टर्मिनल इलनेस की वजह से इताची इसे ज्यादा यूज नहीं कर पाता था। जैसे अगर वो एक दिन में तीन बार मांगे की एबिलिटी को यूज कर ले तो फिर वो अपना शारिंगन तक एक्टिवेट नहीं कर पाता एनर्जी कंजर्व करने के लिए। इताची के मरने के कुछ वक्त बाद सास्के नारुतो को मारने के लिए इताची के आंखों को इम्प्लांट कर लेता है। वेरिएशंस ओबितो उचिहा। ओबितो उचिहा का मांगे की शारिंगन थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में अवेक हुआ रिन नोहारा के डेथ को देखकर। ओबितो के पास सिर्फ उसका राइट आई ही था पर उसका लेफ्ट मांगे की शारिंगन काकाशी हाटेके में अवेक हुआ। दोनों आंखें कामुई व्हील करते थे जो टारगेट को कामुई डायमेंशन के अंदर और बाहर टेलीपोर्ट कर सकते थे पर अलग मैनर्स में। राइट आई क्लोज रेंज कामुई यूज कर सकता था जो यूजर और उससे कनेक्टेड टारगेट को टेलीपोर्ट करता था। अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को टेलीपोर्ट करके वो मैटर के आर पार भी हो सकता था। लेफ्ट आई लॉन्ग रेंज कामुई यूज कर सकता था टारगेट के अराउंड बैरियर क्रिएट करके उसे टेलीपोर्ट करने के लिए और ये अट्रैक्शन फोर्स भी उसी में क्रिएट करता था। लेफ्ट आई से यूजर खुद को टारगेट करके भी टेलीपोर्ट कर सकता था। फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान ये डिस्कवर हुआ कि दोनों आईस के कामुई एक दूसरे से अनएफेक्टेड हैं। मादारा उचिहा काकाशी का आई ले लेता है ओबितो तक पहुंचने के लिए। कामुई डायमेंशन में वो ओबितो से रिनेगान एक्सचेंज कर लेता है और दोनों आंखें ओबितो के पास आ जाती हैं जिसे ब्लैक जेसु कंट्रोल कर रहा था। इस दौरान ब्लैक जेसु उसके दोनों आंखों के पावर्स का एक्सेस पा लेता है। ओबितो ब्लैक जेसु के कंट्रोल से फ्री होने के बाद इसके कॉम्बिनेटिव यूज से सास्के को कागुया के डिस्टेंट डायमेंशन से वापस लाता है लेकिन कुछ देर बाद ही कागुया के ऑल किलिंग एश बोन से उसकी आंखें डिस्ट्रॉय हो जाती है पर उसकी स्पिरिट थोड़ी देर के लिए काकाशी के अंदर आ जाती है जिससे उसके आंखों में उसका मांगे की शारिंगन मैनिफेस्ट हो जाता है और फिर उसके पावर्स के साथ सुजानो भी यूज कर पाता है। वेरिएशंस मादारा उचिहा।
मादारा उचीहा पहला उचीहा था जिसने मांगे क्यों शारिंगन अवेक किया था। उसके आंखों के एबिलिटीज अननोन थे पर वो सुजानो यूज कर सकता था। उसके मांगे क्यों शारिंगन का स्ट्रेट तोमोए उसे फाइट में फ्लूइड मूवमेंट ग्रांट करता था। वॉरिंग स्टेट्स में मांगे क्यों शारिंगन को ज्यादा यूज करने से मादारा ब्लाइंड हो चुका था, जिसके लिए इजुना उचीहा ने मरने से पहले मादारा को अपनी आंखें दे दी ताकि वो उचीहा को बचा सके, जिससे मादारा को इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन मिल गया। अपने लाइफ के एंडिंग स्पैन में मादारा का मांगे क्यों शारिंगन रिनेगान में बदल गया और बिना किसी को बताए वो अपने रिनेगान को नागाटो के अंदर इम्प्लांट कर देता है। फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर में ओबितो मादारा के लेफ्ट रिनेगान को व्हील करता है और मादारा रिवाइव होने के बाद अपने दोनों रिनेगान को फिर से हासिल कर लेता है। वेरिएशंस इजुना उचीहा। इजुना उचीहा मादारा उचीहा के बाद मांगे क्यों शारिंगन को अवेक कर लेता है। उसके आंखों की एबिलिटीज अननोन थी। मरने से पहले इजुना अपनी आंखों को मादारा को दे देता है उसके विजन को रिस्टोर करने के लिए। इजुना ने ये अपनी मर्जी से किया था लेकिन लोग ये मानने लगे कि मादारा ने इजुना को मारकर उससे आंखें ले ली। वेरिएशंस सास्के उचीहा। सास्के उचीहा का मांगे क्यों शारिंगन उसके बड़े भाई इताची उचीहा के मरने के बाद अवेक हुआ। एक मांगे क्यों शारिंगन से सास्के अमातराजू कास्ट कर सकता था और उसे शेप और एक्सटिंग्विश भी कर सकता था और दोनों मांगे क्यों को अवेक करने से वो सुजानो भी यूज कर सकता था। उसके मांगे क्यों शारिंगन में उसका स्ट्रेट तोमोई उसे फाइट करने में फ्लूइड मूवमेंट ग्रांट करते थे। सास्के शुरुआत में इताची के मांगे क्यों शारिंगन को इम्प्लांट करके इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन पाने से मना करता है, ये कह के कि वो इताची से अलग है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि नारुतो उजुमाकी को मारने के लिए उसे और पावर्स की जरूरत होगी और उसकी आंखों का विजन भी जाने लगता है, इसीलिए उसने इताची के आंखों को फिर इम्प्लांट कर लिया। हागोरोमो ओसुसुकी के हाफ चाक्रा को पाने के बाद सास्के का लेफ्ट आई और इवॉल्व होकर रिनेगान बन गया, जो सास्के इनिशियली डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। ये आंख बोरुटो उजुमाकी मोमोशिकी के कंट्रोल में डिस्ट्रॉय कर देता है। वेरिएशंस शिजुई उचीहा। शिजुई उचीहा का मांगे क्यों शारिंगन तब अवेक हुआ जब उसने अपने फ्रेंड को मरने के लिए अलाउ किया। अपने दोनों मांगे क्यों से वो कोतोअमात्सुकामी यूज कर सकता था, एक पावरफुल गेंजुत्सु जो यूजर के थॉट्स को परफेक्टली और एब्सोल्युटली मैनिपुलेट करता है, जो किसी को पता नहीं चलता, टारगेट को भी नहीं, कि वो कंट्रोल हो रहे हैं। पर इस टेक्निक को यूज करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। शिजुई सुजानो को भी यूज कर सकता था। जब शिजुई कोतोअमात्सुकामी से उचीहा कुडेटा को रोकना चाहता था तब उसका राइट आई डांजो शिमुरा उससे छीन लेता है, जो विलेज को अपने तरीकों से बचाना चाहता था। इस डर से कि डांजो उसका दूसरा आंख भी ले लेगा, शिजुई अपने लेफ्ट आई को इताची को दे देता है और उसे कोनोहा को बचाने कहता है। डांजो शिजुई के राइट आई को खुद में इम्प्लांट कर लेता है और उसके रिचार्ज टाइम को कम करने के लिए हाशिरामा सेंजू के सेल्स को भी इम्प्लांट कर लेता है। डांजो मरने से पहले उसके आई को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इताची उसके लेफ्ट आई को एक क्रो में इम्प्लांट कर देता है ताकि वो अपने भाई पर उसका यूज कर सके, पर री इनकार्नेट होने के बाद वो खुद पर इसका यूज करता है काबुतो के कंट्रोल से फ्री होने के लिए, जिसके बाद वो उस क्रो को जला देता है। वेरिएशंस इंद्रा ओसुसुकी। मांगा में इंद्रा ओसुसुकी मांगे क्यों शारिंगन का फर्स्ट यूजर था। उसके दोनों आंखों की एबिलिटीज अननोन थी पर वो सुजानो का यूज कर सकता था। एनीमे में अपने दो फॉलोवर्स को मारने के बाद उसका मांगे क्यों शारिंगन अवेक हो गया था। अपने लेफ्ट आई से वो ब्लैक फ्लेम्स प्रोड्यूस कर सकता था। वेरिएशंस शिनुचिहा। ये मांगे क्यों शारिंगन बहुत से इंडिविजुअल के साथ मल्टीपल शेयर हुआ और कनेक्टेड भी था। अपने राइट आई से शिनुचिहा टेलीकाइनेटिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता था, पर उससे पहले उसे उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट से एक स्पेशल मार्क देना पड़ता था। शिन के सारे क्लोन उससे जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, जो उसके मांगे क्यों शारिंगन और उसके पावर्स को शेयर करते थे। एक क्रिएचर भी था शिन के सेम मांगे क्यों शारिंगन के साथ। वेरिएशंस फुगाकू उचीहा। एनीमे में फुगाकू का मांगे क्यों शारिंगन थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में अवेक हुआ जब उसने अपने एक करीबी दोस्त को मरते हुए देखा। उसके मांगे क्यों शारिंगन के बारे में काफी कुछ अननोन है, पर वो कॉन्फिडेंट था कि इससे वो नाइन टेल्स को कंट्रोल कर सकता है। वेरिएशंस हागोरोमो ओसुसुकी।
एनिमे में हागोरोमो ने अपना मांगे क्यों शारिंगन अवेक अपने भाई को चोट पहुंचाकर किया कागुया से फ्री करने के लिए। उसके मांगे क्यों शारिंगन का डिजाइन अननोन है क्योंकि उसी वक्त उसकी आंखें रिनेगान में बदल गई। उसके इंडिविजुअल आंखों की टेक्निक्स भी अननोन थी पर वो कंप्लीट बॉडी सुजानो यूज कर सकता था जो साइज में 10 टेल्स के जितना बड़ा था। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री शारिंगन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।